लोग कहते हैं महाराज जी हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, कोई फल ही नहीं मिलता। तुम दिन भर राम राम जपो और दिन भर राम राम जपो और दिन भर झूठ बोलो, दिन भर छल कपट करो, तो उस राम राम का अर्थ क्या है बताओ? कोई झूठ बोले और राम राम जपे तो उस राम राम का अर्थ है? 100 बार राम राम बोलने की जरूरत नहीं है साहब, तुम सच्चे राह पर चलो, कभी झूठ ना बोलो, ईमानदारी की रोटियां खाओ और फिर एक राम बोल दो, वो 1 करोड़ के बराबर है। एक वो तुम दिन भर राम राम जपो और झूठ बोलो, छल करो, कपट करो। आज इसलिए तो भक्ति का प्रभाव समाज में दिखता नहीं है, भजन रोज कर रहे हैं। आप लोग क्या कहते महाराज जी हम तो माला खूब जपते हैं, हमें तो भगवान मिले नहीं, हमारा तो भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। क्या तुम्हारे जीवन में धर्म उतरा है? क्या तुम सत्य के राह पर चले हो? क्या तुम्हारे अंदर से छल कपट गया है? तुमसे किसने कहा कि तुम दिन भर राम राम जपो? तुमसे कहा जाता है तुम झूठ छोड़ दो, हर गलत काम छोड़ के केवल एक बार सच्चे मन से एक राम का नाम जप लो, वो एक बहुत। लेकिन ईमानदारी से कर्म करता हुआ व्यक्ति, एक बार क्या हुआ, नारद जी वैकुंठ गए, वहां भगवान एक कागज पर, एक भोज पत्र पर कुछ बना रहे थे। तो नारद जी ने यूं ही पूछ लिया, प्रभु आप क्या बना रहे हैं? भगवान बोले कि मैं भक्त के लिए घर बना रहा हूं, ड्राइंग तैयार कर रहा हूं। फिर विश्वकर्मा से इसी नमूने का सुंदर सा दिव्य लोक बनवाऊंगा और लोक अपने एक भक्त को दूंगा। नारद जी बोले लगता है हमारी तैयारी चल रही है, हमारे लिए भगवान घर बनवा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, हमसे भी बड़ा कोई होगा। चलो नारद जी तो जिज्ञासु हैं, नारद जी ने कहा प्रभु क्या नाम है उस भक्त का? भगवान बोले भक्त का नाम नहीं बताएंगे। नारद जी बोले प्रभु बताओ क्या नाम है उस भक्त का? भगवान बोले उस भक्त का नाम है रामदीन, रामदीन। अच्छा तो भगवान उसके लिए घर बना रहे हैं? हाँ। नारद जी बड़े दुखी हो गए, प्रभु हम आपके इतने बड़े भक्त हैं, हमारे लिए कभी घर नहीं बनाया, क्या हमसे भी बड़ा भक्त है वो आपका रामदीन? हाँ। अच्छा एड्रेस दो, पता दो, हम जाके देखते हैं कि भक्त है कि ऐसे ही है। भगवान बोले जाओ फलाने गांव में, फलाने खेत में, उसका छोटा सा घर है और वो किसान है, खेती करता है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं। अब चले नारद जी तो देखा एक किसान था, एक दो बैल, और वो हल चला रहा था खेत में, और हल चलाता जाए, जुताई और बुवाई करता जाए, और श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण हर थोड़ी थोड़ी देर में वो कहता जाए, हे श्रीमन्नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं, बस इतना कहता जाए कि हे श्रीमन्नारायण मैं आपको कभी, आप नहीं बोलेंगे ना, हे श्रीमन्नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे श्रीमन्नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं, ऐसा वो बार बार बोल रहा था। अब नारद जी बोले लो ये तो थोड़ी थोड़ी देर में नारायण नारायण बोलता, मैं तो दिन रेगुलर नारायण नारायण जपता हूं। दौड़ के नारद जी फिर गए, हे प्रभु आपका निर्णय गलत है, वो तो बहुत कम बोलता है आपका नाम,
वो कम भगत है, मैं बड़ा भक्त हूं आपका, मेरे लिए घर बनाओ। भगवान बोले अच्छा एक काम करो, ये घी से भरा कटोरा ले लो नारद जी, और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आओ, और परिक्रमा करते हुए याद रखना कि एक बूंद जमीन पर घी गिरना नहीं चाहिए, और यदि गिर गया तो फिर काम बिगड़ जाएगा, और यदि नहीं गिरा तो फिर मैं आपके लिए घर बनाऊंगा। अब नारद जी घी का कटोरा भरते हैं, और घी का कटोरा भर करके नारद जी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने चले। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा नारद जी ने की और घी का कटोरा भर के रखा। नारद जी एक बूंद घी ना गिर जाए इसके चक्कर में धीरे 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 नारद जी चले, पूरा ख्याल रखा कि एक बूंद घी जमीन पर गिर ना जाए। पूरी परिक्रमा लगी, काफी दिन लग गए। कुछ दिन बाद नारद जी लौटे, भगवान ने कहा आओ। नारद जी ने कहा प्रभु ये रहा घी का कटोरा, एक बूंद कहीं नहीं गिरा, आप चेक कर लो। भगवान बोले वो तो सब ठीक है, ये बताओ कि इन दिनों में आप घी का कटोरा लेकर जब चले, इस दौरान आपने मुझे कितनी बार याद किया? नारद जी बोले प्रभु क्षमा करना, पूरा ध्यान घी पर था, तो आपको जरा भी हम याद नहीं कर पाए। नारद जी से भगवान ने कहा कि तुम तो फुर्सत हो, तुम्हारे तो कोई काम नहीं है तो तुम दिन भर नारायण नारायण जपते हो, लेकिन देखो आज तुम्हें हमने जरा सा काम दिया तो तुम उस काम में हमें भूल गए कि नहीं। लेकिन वो रामदीन, वो किसान सारा काम करता है अपनी गृहस्थी का, सारा काम करता हुआ हर थोड़ी देर में कहता रहता है श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं, वो काम करते हुए मुझे याद रखता है। तो आप ही बताओ कि बड़ा भक्त कौन है? जिसके पास कोई काम ही नहीं है वो राम राम जपे तो क्या बड़ी बात है, तेरे पास तो काम ही नहीं है कुछ, राम राम जप। लेकिन जो काम करते हुए राम राम जपते हैं वो गृहस्थ होते हैं, और भगवान उन भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं जो कर्म करते हुए प्रभु को याद रखते हैं, जो कर्म करते हुए प्रभु को। इसलिए काम पूरा करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर प्रभु को याद रखो, और जो भी धन दें भगवान उस धन का सदुपयोग करो। गृहस्थ आश्रम बहुत श्रेष्ठ है, ये दास अनिरुद्ध भी गृहस्थ आश्रम में है, और हम गृहस्थ में रहकर ही अपना सारा कार्य करते हैं, माँ की सेवा हो चाहे अन्य क्षेत्र की सेवा हो, और सेवा धन आए तो धन को धर्म से जोड़ना, यही हम गृहस्थों का धर्म है। धन से तिजोरियां नहीं भरनी, बच्चों के लिए धन जोड़कर नहीं रखना, बच्चों को टैलेंट दो, बच्चों को योग्यता दो, काबिल बनाओ, उनके लिए प्रॉपर्टी उनके लिए संपत्ति जोड़ने की जरूरत नहीं। जो आपके पास है वो तो बच्चों के पास जाएगा ही जाएगा, लेकिन बच्चों को धन देने के पहले योग्यता दे दो, और अपनी कमाई का समाज की सेवा में लगाओ। बच्चों से कहो बेटा जिस टैलेंट से जिस गुण से हमने कमाया तुम भी कमा लो। आज समस्या क्या है, व्यक्ति जोड़ता है, इतना जोड़ता है कि उसके 10-20 पीढ़ी बैठी बैठी खाए। परेशानी खाने की नहीं है, परेशानी धन कमाने की नहीं है, परेशानी जोड़ने से है। इकट्ठा करना चाहता है, वो चाहता है मेरे बच्चे को कुछ करना ना पड़े बैठा बैठा, ना आप फिर अपने बच्चों को अपाहिज बना रहे हो। यदि आपकी ये भावना है कि मेरे बच्चा कुछ ना करे बैठा बैठा खाए, तो फिर आप अपने बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप अपने बच्चों को अपाहिज बनाना चाहते हैं, लंगड़ा करना चाहते हैं। बच्चों को काम दो, बेटा करो कमाओ, हम जो कमाएं सेवा। बच्चों को भी सेवा का संस्कार देकर मरना कि बेटा हम मर जाएंगे तुम भी सेवा करना। सेवा
समाज की, परोपकार। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, इस जिंदगानी को सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। आज आप लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है मेरी माँ, आपके पास केवल पैसे का सदुपयोग करने का भाव की कमी है। आपके पास बहुत पैसा है, पैसा है इसलिए तो बच्चे क्लबों में जा रहे हैं, पैसा क्लबों में खर्च हो रहा है। ये पैसे का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? हमारे देश में वैश्यालय वैश्यावृत्ति बढ़ती जा रही है, वैश्याओं में पैसा खर्च हो रहा है, ये पैसे का सदुपयोग है या दुरुपयोग है? फिर पैसे की कमी कहां है? है पैसा बहुत, पर उसका सिर्फ दुरुपयोग है। भारत में 90% लोग नशा करते हैं, पुरुष वर्ग 100 में से 90 लोग या तो बीड़ी पिएंगे, या तो गुटखा खाएंगे, या तो सिगरेट पिएंगे, या तो शराब पिएंगे, या तो मसाला खाएंगे, मतलब 90% लोग नशा। अब बताइए ये पैसा नशा में 10 रुपए का गुटखा, 20 रुपए का गुटखा, 50 रुपए की शराब, 1000 रुपए की शराब, 10 रुपए की सिगरेट, 2 रुपए की बीड़ी, ये पैसे का सदुपयोग है या दुरुपयोग है? बोलो, बोलो जोर से, दुरुपयोग। पैसा कहां कम है? पैसा कम होता तो लोग शराब क्यों पीते, दूध ना पीते? क्योंकि शराब महंगी है, दूध सस्ता है, पर महंगी शराब लोग ज्यादा पी रहे हैं, सस्ता दूध लोग कम पी रहे हैं। इससे पता चलता है कि देश में पैसे की कमी नहीं। पैसे की कमी जब थी हमारे देश में, जब पैसे की कमी थी तब शराब नहीं लोग दूध पिया करते थे, जब हमारे देश में पैसे की कमी थी तब लोग शराब नहीं लस्सी पिया करते थे, और जब हमारे देश में पैसे की कमी थी तब हमारे देश में लोग एक एक पाव घी पिया करते थे। जब कमी थी पैसे की तब घी पीते थे, आज पैसा बहुत है तो 1000 रुपए की शराब पी लेते हैं, और पूरी रात पराई औरतों के संग, पराई मर्दों के संग थिएटरों में जाकर, वहां पर वारों में जाकर के, क्लबों में जाकर के लोग भांगड़ा डिस्को एक साथ कर रहे हैं। तो पैसे की कमी कहां है? पैसे की कोई कमी नहीं है आज किसी के पास। कमी होती तो सिगरेट क्यों पीता आदमी, धुएं में क्यों उड़ाता पैसा? पैसा है इसलिए तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं, उड़ने दो, धुआं ही तो है। आप लोगों को हम केवल ये बता रहे हैं कि पैसे का सदुपयोग भी हो सकता है। आपके सामने ये दास अनिरुद्ध बैठा है, हम गुटखा नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, शराब नहीं पीते, हम जो पैसा कमाते हैं उस पैसे से आने वाले वृंदावन में भक्तों के भोजन दे करके, उनके भोजन करा के उनकी सेवा करने का भाव रखते, कोई भी आए भूखा ना जाए। हम अपने पैसे का सदुपयोग करते हैं जी, पैसा कमाते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं। हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ का धर्म है कि द्वार पर कोई आ जाए भूखा ना जाए। हमारा एक रुपए का खर्च नहीं है फिजूल का, दाल रोटी के सिवा कोई खर्चा नहीं है।